समाधान करने के लिए ही नैमि शरण उस सुंदर स्थल भूमि पर एकत्रित हुए हैं। और जैसे ही वहाँ पर शिव जी पधारे, सभी अपने स्थान पर खड़े होकर उनको देख करके उनका दर्शन पाकर गदगद हो गए। और जानिए शिव जी है कौन? ये सूत ही आप जानते हैं, पहले राजाओं का समय हुआ करता था। अब जैसे हमारे एमएलए होते हैं ना, विधायक, मुख्यमंत्री हो गए, प्रधानमंत्री हो गए, ये अभी से समय आया। पहले हमारे दादा के टाइम में भी आप सभी को मालूम है कि राजाओं का समय था। तो उसी प्रकार से राजाओं का समय है। तो राजा एक दिन भ्रमण करने के लिए निकले हैं। तो भ्रमण करते करते एक गांव में जैसे विश्राम किया, वहां उन्हें एक कन्या पसंद आ गई। तो राजाओं को जो कन्या पसंद आए तो विवाह कर लेते, इसकी हिम्मत नहीं है कि कोई इनकार करे। और जिसकी पुत्री है वो भी प्रसन्न हो गई कि आखिर राजा के साथ हमारी पुत्री का विवाह हो, उससे बड़ी प्रसन्नता हमारे लिए क्या हो सकती है। गदगद हो गए माता पिता और विवाह हो गया। आगे चलकर समय के साथ उन्होंने एक संतान को जन्म दिया। अब जैसे संतान को जन्म दिया, ध्यान से सुनना, क्या बड़े आपको आपके काम आने वाली ये मैं आपको बात सुना रहा हूँ। सूत जी कौन है, ध्यान से सुनना इस बात को। अनेकों बार आपने कथा सुनी होगी सूत जी कौन है, लेकिन मैं जिस तरह से बता रहा हूँ ये है पद्म पुराण का ये प्रसंग, लेकिन भागवत का प्रसंग नहीं है। लेकिन इतना भागवत में इतना बताया कि सूत जी कथा सुना रहे, लेकिन ये सूत जी है कौन है, ये पद्म पुराण से प्रसंग लिया गया है, तो इसको ध्यान से सुनना। इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो जैसे उनके संतान उत्पन्न हुई, तो अब संतान का जब हम नामकरण करते हैं ना, जैसे बच्चा होता है उसका नाम हम रखते हैं, तो अब पिता बोले कि मैं पुत्र का नाम रखूंगा, माता बोले मैं रखूंगी। अब वहां क्या हुआ, वो दो लोगों के मेल से उत्पन्न संतान, पिता कहे मैं अपने पुत्र के आगे सिंह लगाऊंगा, और माता कहे नहीं मैं अपने पुत्र के नाम के आगे शर्मा लगाऊंगी। ये वाद विवाद हो गया, आपस में लड़ाई झगड़ा होने लगा पति पत्नी में इसी छोटी सी बात को लेकर। पिता कहे मेरा वंश है, मेरा रक्त है, मैं सिंह लगाऊंगा अपने पुत्र के नाम के आगे। माता कहे नहीं मैं शर्मा लगाऊंगी। तो विवाद बात ही क्या हुआ कि वहाँ जो ऋषि मुनि है, ऋषि मुनि ने एक युक्ति निकाली, कहा कि अगर दो वर्णों के मेल से उत्पन्न कोई संतान हो, उस संतान का क्या नाम दिया गया, सूत जाति। ध्यान से सुनना, क्या सूत जाति है ना। तो आगे चलकर सूत जाति के लोगों में फिर प्रचार हुआ। प्रचार होते होते इसी जाति में हुआ क्या, फिर जो सूत जाति के लोग थे उनको जो काम दिया गया वो क्या दिया गया, वो दिया घोड़ों और रथों का काम दिया, कि जिसे घोड़े रथों को चलाने का काम, तो वो काम दिया गया। तो धीरे धीरे वो काम खत्म होने लगा, सूत जाति के लोग में विस्तार होने लगा और काम खत्म होने लगा। फिर पहले घोड़े गाड़ियां चलती थी, घोड़ों में देखो राजा होते थे, घोड़ों में यात्रा करते थे। आज क्या है, आज जो बड़ी बड़ी वीआईपी गाड़ियां हैं, साइकिल आई, स्कूटर आए, मोटरसाइकिल आई, फिर छोटी गाड़ियां, बड़े अब तो हेलीकॉप्टर तक आ गए। अब घोड़े की जगह में अब तो हेलीकॉप्टर में यात्रा करते हैं जो बड़े लोग होते हैं, है ना। इसी प्रकार से सूत जाति के लोगों में जो का जो काम था, जो जीवन निर्वाह होता था, परिवार का पालन पोषण होता था, वो काम खत्म हो गया। तो फिर उनको चिंता होने लगी। फिर उसी सूत जाति में से एक रोम हर्षण नामक एक सूत कहा गया वेद व्यास के पास, किस लिए कि कोई ना कोई समाधान, जैसे मान लो हम आर्थिक हमारी परिस्थिति कमजोर है तो हमें रोजगार देने की कृपा करें। तो ऐसा ही उस समय वेद व्यास के पास रोमहर्षण नाम सूत जी गए। तो वेद व्यास ने तब क्या कहा, अरे रोमहर्षण जी को कहा कि अरे सूत तुम चिंता मत करो, आज के बाद मैं सूत जाति के लोगों को यही 18 पुराणों की शिक्षा देना प्रारंभ करूंगा। और जब इन 18 पुराणों की शिक्षा आप प्राप्त करोगे, तो आप इसी 18 पुराणों की कथाओं को का प्रचार प्रसार करना और लोग तुम्हारी पूजा करेंगे, है ना, तुम्हारा मान सम्मान करेंगे और यथासंभव तुम्हें दान भी देंगे और तुम्हारा जीवन निर्वाह अच्छे से। उन्हीं उसी रोमहर्षण
नाम का एक पुत्र हुआ, उग्रसेन नामक पुत्र हुआ। कौन है? उग्रसेन नामक पुत्र हुआ। और आज वही सूर्य जी वहाँ नैमी शरण में 88,000 ऋषियों को कथा सुना रहे हैं। ध्यान देना, मैंने ये प्रसंग इसलिए सुनाया कि कथाकार के ऊपर कई बार ऐसा शंका रहती है कि कथाकार कैसा हो, तो इसमें जाति वर्ण के ऊपर मत जाना आपने कभी। कथाकार कोई भी हो, लेकिन कथाकार के नींव होने चाहिए, भक्ति ज्ञान वैराग्य नहीं तो होना चाहिए। और जो यहाँ से कहे शब्द, जो यहाँ से कहने वाला है, उस पर स्वयं उसका आचरण होना चाहिए। मैं कहूँ शराब नहीं पीनी चाहिए, और खुद मैं जाकर घर में खूब पीने वाला। मैं कहूँ कोई धूम्रपान जैसे बीड़ी सिगरेट खैनी गुटके वगैरह जो भी नशा करने वाली वस्तुएं हैं। हरि बोल। ढोलकी रे तेरे बट पे बाबा बालक ना फसेरा है, ढोलकी रे तेरे बट पे बाबा बालक ना फसेरा है, ढोलकी रे तेरे बट पे बाबा बालक ना फसेरा है। ये हमारत अपने के करते है।